हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चे, हम लास्ट वीडियो में कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर चुके हैं अमीनो एसिड्स की। अब इस वीडियो में हमें क्या करना है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी प्रिपरेशंस को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन आती है इसकी, अमीनो एसिड्स की, उसमें देखो सबसे पहले आता है डायरेक्ट अमीनेशन ऑफ अल्फ़ा हेलो एसिड्स। मीन्स इसमें क्या होगा, आपको जो अल्फ़ा हेलो एसिड्स होते हैं उनका क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अमीनेशन करवा देंगे। मीन्स जो आपका इसमें हेलो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्लेस करवा देंगे, किससे, अमीन ग्रुप से रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई कंपाउंड लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। दैट इज़ ये एसिड है, एसिड के एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इस पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, क्लोरीन है। दैट्स वाई इसका नाम क्या हो गया, अल्फा क्लोरो, तीन कार्बन आइटम है, दैट्स वाई प्रोपियो एसिड है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। दैट्स वाई इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया है, अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। क्लियर। अब अगर हमें क्या करते हैं, अमोनिया की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड, दैट इज़ NH4Cl क्लोराइड वहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगा, और उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3CHNH2, Cl रिप्लेस हो चुका है NH2 से, COOO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। क्लियर, तो इट मीन्स यहाँ से क्या बन गया है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा, दैट इज़ अमोनियम सॉल्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो जैसे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H अटैच हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3CHNH2COH, दैट इज़ एलानाइन आपको मिल जाएगा, दैट इज़ अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर, आई होप समझ आ गया। ठीक है, अगर हम जो स्टार्टिंग में लेकर चल रहे हैं अल्फा हेलो एसिड लेकर चल रहे हैं, अगर हमें इसको प्रिपेयर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है उसका हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा दें तो तब हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा हेलो एसिड। और इसी रिएक्शन को, इसी कंप्लीट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन, दैट इज़ हेल वुलहार्ड जेलिंसकी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्लियर, तो इसके बाद क्या आता है, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन आती है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके अंदर क्या होगा, हम सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, पोटेशियम थैलामाइड। थैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है, यहाँ पर COOH, ठीक है। अगर अब हम क्या बना दिया हमने इसका, ओरिजिनली हम लेकर चले हैं इसका थैलियामाइड, मीन्स हम क्या बना दिया है, बेंजीन COO एन नेगेटिव के पॉजिटिव। क्लियर, तो हम क्या लेकर चले हैं, पोटेशियम थैलामाइड, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इथाइल क्लोरो एसिटेट, दैट इज़ इथाइल क्लोरो एसिटेट। क्लियर, उसके बाद क्या है, इसमें से अगर हम यहाँ से Cl और यहाँ से K अगर हम इसको निकाल दें यहाँ से, दैट इज़ अगर N इसके ऊपर अटैक करे और यहाँ से Cl निकल जाए तो क्या होगा, यहाँ से K और Cl निकल जाएगा, तो जैसे ही ये निकलेगा तो बॉन्ड की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, N के बीच में और CH2 के बीच में, तो जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होती है NCH2 के बीच में, तो इसके बाद अगर फर्दर हम इसका क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या होगा, जो आपके पास एस्टर यूनिट था, एस्टर का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें एसिड मिल जाएगा। तो जैसे ही एसिड मिलता है, और अगर हम और भी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, जो सी डबल बॉन्ड ओ और एन के बीच का बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, और जैसे ये क्लीव होगा यहाँ पर OH और एन से H, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक के साथ OH और एन के साथ H, तो जैसे ये जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, NH2CH2COOOH, दैट इज़ NH2CH2COOH, दैट इज़ ग्लाइसिन। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें किस टाइप से अल्फा अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन करवानी है। क्लियर, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, थैलिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन, दैट इज़ थैली अमाइडोमेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। मींस इस रिएक्शन में क्या होगा, हम दो रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन करके चलेंगे, सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, मेलोनिक एस्टर लेकर चलेंगे, देन उसके बाद हम क्या लेकर चलेंगे, इसके साथ में जो ऊपर हमने की है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू इस रिएक्शन को सिंथेसाइज करेंगे, इस जो अल्फा अमीनो एसिड है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या लेकर चल रहे हैं, पोटेशियम थैलामाइड जो हमने पहले लिया था स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद क्या लेकर चल रहे हैं, ब्रोमो मेलोनिक एस्टर। मींस यहाँ पर क्या ले, अल्फा क्लोरीन की बजाय हमने क्या ले लिया है, ब्रोमो, दैट इज़ ब्रोमो मेलोनिक एस्टर। क्लियर, इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन देखें सेम इसी टाइप से जैसे हमने ऊपर किया था गैब्रियल थैलामाइड में, तो एन के ऊपर किसके ऊपर अटैक करेगा, CH के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से
बी आर निकल जाएगा। जैसे ही बी आर निकलेगा तो एन और सी के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगी आपको एक कंपाउंड मिलेगा, उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, थैली अमाइडो मेलोनिक एस्टर। क्लियर, थैली अमाइडो मेलोनिक एस्टर। फिर अगर हम इसका सोडियम इथेनोएट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जैसे ही सोडियम इथेनोएट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन आयन का जनरेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से बेस का काम कर रहा है। और क्यों, क्योंकि देखो जैसे ओ के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो जैसे ही कार्बन आयन जनरेट होता है, अब हम इसकी अगर रिएक्शन करवाते हैं C6H5CH2Cl के साथ, जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से N, यहाँ Na पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, और आपका जो Cl है C6H5CH2Cl में से जो Cl है यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे ही Cl निकलता है, Cl नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव का जनरेशन होगा, तो इट मीन्स यहाँ से जो ये आपका कार्बन आयन जनरेट हुआ है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, CH2 के ऊपर अटैक करेगा। CH2 के ऊपर अटैक करने से यहाँ से Cl निकल जाएगा, और ये कहाँ से अटैचमेंट हो जाएगा, CH2 C6H5 बन जाएगा। क्लियर, अब उसके बाद क्या करते हैं, पहले इसकी QH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, देन HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हीट करवा देते हैं। जैसे हम इसकी हीटिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, थैलिक एसिड मिल जाएगा। थैलिक एसिड के साथ में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, थैलिक एसिड मीन्स यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे, और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, N के साथ H, N के साथ H, दैट इज अगर हम करें H, H और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ठीक है। तो ये हमें थैलिक एसिड मिल जाएगा, और यहाँ पर NH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएगा, दैट इज़ फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन आपको अमीनो एसिड मिल जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये प्रिपरेशन समझ आ गई होंगी। हमने तीन प्रिपरेशन किए हैं, सबसे पहले क्या था, डायरेक्ट अमीनेशन करवा दिया अगर हम अल्फा हेलो एसिड्स का, ठीक है, देन उसके बाद गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की, ठीक है, उसके बाद हमने किए थैलियामाइडो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, जो कि कॉम्बिनेशन था मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस का एंड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट रिएक्शन है, फोर्थ प्रिपरेशन है इसमें, इस प्रिपरेशन में क्या है, स्ट्रैकर सिंथेसिस। स्ट्रैकर सिंथेसिस के अंदर क्या है, सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस KCN, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, अमोनिया प्लस में HCN, राइट, देन साथ में क्या बाई प्रोडक्ट मिलेगा आपको, KCL मिलेगा। अब क्या करना है, जो अमोनिया यहाँ पर बना है इस अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे हम LDHD के ऊपर। जैसे LDHD के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन है, यहाँ से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी, अगर डिहाइड्रेशन करवाते हैं OH यहाँ से, H यहाँ से, डिहाइड्रेशन के बाद क्या मिल जाएगा, LDIamine। जैसे LDIamine मिलता है फिर हम क्या करेंगे, जो HCN का साइनाइड है वो अटैक करेगा CH के ऊपर, यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H पॉजिटिव को लेगा ये, वाटर के H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर के H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, NH2, और जो ये कंपाउंड बनेगा उसका नाम है अमीनो नाइट्राइल, दैट इज अमीनो नाइट्राइल। क्लियर, फिर उसका अगर एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा, हमें पता है कि जैसे ही साइनाइड का या नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया, तो हमें क्या कंपाउंड मिल गया है, अल्फा अमीनो एसिड मिल गया। क्लियर, ये थी स्ट्रैकर सिंथेसिस। क्लियर, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। अब कर्टियस रिएक्शन आपको भी नेम ये जाना पहचाना लग रहा होगा, आपने छोटी क्लासेस 11 12th में स्टडी किया है इसको, कर्टियस रिएक्शन को, और BSc फर्स्ट सेकंड में भी आपने इसको स्टडी किया होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे, मेलोनिक एस्टर लेकर चलेंगे। मेलोनिक एस्टर में हमें पता है कि यहाँ पर कौन होता है, CH2 होता है, CH दूसरा एच ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर दो क्या होंगे, एस्टर ग्रुप होंगे। तो अब क्या करेंगे हम, बेस की प्रेजेंस में बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, CH बचेगा। CH बचने से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बनता है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, R के ऊपर, एल्काइल हैलाइड के R के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही R के ऊपर अटैक करता है तो यह क्या बन जाएगा, X निकल जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या लग जाएगा, R ग्रुप लग गया है।
क्लियर। देन उसके बाद क्या है, अगर हम 1 मोल KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मीन्स बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो बेस हाइड्रोलिसिस होगा एक तरह से। जैसे ही बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सोडियम का पोटेक्साइड, मीन्स यहाँ पर रिएक्शन होगा। रिएक्शन होना के का मतलब क्या है, जैसे K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पर OH नेगेटिव है, O के ऊपर नेगेटिव होगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये OC2H5 है, यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से OC2H5 निकल जाएगा। जैसे वो ये निकलेगा तो हमारे पास क्या है, OH बनेगा। OH बनने के बाद हमें पता है कि अगर हम O के OH के H पॉजिटिव को निकाल देते हैं तो O नेगेटिव हो जाएगा, और उस O नेगेटिव को स्टेबलाइज कौन कर देगा, K पॉजिटिव स्टेबलाइज कर देगा, और उस H से क्या बन जाएगा आपका, अल्कोहल बार निकल जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम का आपका कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, सॉरी पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, देन उसके बाद क्या है आपके पास, अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो NH2 में क्या होगा, अगर हम इसमें से H पॉजिटिव निकाल दें तो क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, NH2 के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर इस कार्बोक्सिल जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, OC2H5 निकल जाएगा। जैसे OC2H5 निकलता है तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा, NH2 लग जाएगा। क्लियर, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HNO2 क्या है, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, से रिएक्शन करवाने से हमारे पास क्या मिलेगा, एसिड एजाइड मिल जाएगा। एसिड एजाइड मिलने से अब क्या करेंगे, हम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो जैसे हम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कर्टियस रीअरेंजमेंट हो जाता है। कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, N2 गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से N2 गैस इवोल्व होती है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, RCH COH NH माइग्रेशन हो जाता है ना इसमें, तो आपके पास फाइनल में क्या बचेगा, COC2H5। जैसे ये COC2H5 किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, C2H5OH की प्रेजेंस में, क्लियर, इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एस्टर मिल जाएगा। जैसे ही एस्टर मिलता है, अगर हम इसकी फर्दर अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर COOC2H5 मिल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, जैसे HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएगा। क्लियर, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे, मैलोनिक एस्टर लिया। मैलोनिक एस्टर की हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम इथेनॉइड की प्रेजेंस में, ये बेस है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड के अल्काइल पर अटैक करेगा, वहाँ से हैलाइड पार्ट निकल जाएगा। जैसे हैलाइड पार्ट निकलता है तो यहाँ पर क्या होगा, R जुड़ गया है। ठीक है, और अब इसके बाद क्या है, अगर हम KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वन मोल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने से यहाँ पर क्या हो गया, 1 मोल क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर, देन उसके बाद क्या है, अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजोन बनेगा। जैसे ही हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन होती है तो हम क्या करवाएं, अगर HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं देन उससे हमें क्या मिलेगा, एसिड एजाइड। जैसे ही एसिड एजाइड मिलता है तो अगर इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कर्टियस रीअरेंजमेंट में N2 गैस का इवोल्यूशन होगा। जैसे ही N2 गैस इवोल्व होती है तो अगर हम फर्दर अगर उसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। मींस हमने यहाँ से क्या प्रिपेयर कर लिया है, अमीनो एसिड प्रिपेयर कर लिया है। क्लियर, तो हमने जैसे हम यहाँ पर क्या लेकर चले थे, जो रिएक्शंस की थी हमने सबसे पहले इन रिएक्शंस में, तो इस रिएक्शन में अगर हम साइनो एसिटिक एस्टर लेकर चल रहे हैं, जो साइनो एसिटिक एस्टर मिला है कैन आल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ द मेलोनिक एस्टर। जो मेलोनिक एस्टर लेकर चले हैं उसकी जगह अगर हम साइनो एसिटिक एस्टर भी लेकर चलेंगे तो भी हम जो अमीनो एसिड्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर, जैसे हम साइनो एसिटिक एस्टर लिया, अगर इनकी सेम जैसे सारे रिएजेंट्स लेकर चले थे, अगर हम ये रिएजेंट लेकर चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर, ये सारी प्रिपेशंस थी, बाकी की प्रिपेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।